होस्ट तमीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तमीला। कैसे हैं आप? आज मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। तो इमली की चटनी बहुत सी चीज़ों में डलती है और बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे कि फ्रूट चाट में, चना चाट में, दही भल्लों में, और ग्रीन चटनी जो कि कबाबों के साथ खाई जाए, यानी बर्गर में जो डाली जाए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में डलती है ये। तो आज मैंने कहा आपको उसकी रेसिपी शेयर करूं। इसको बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ। इमली 400 ग्राम मैंने लिए, ठीक है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन लेनी है चुटकी भर, जैसे चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हो, बस तकरीबन चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। चाट मसाला 1 टीस्पून, ये फ्लेक्स में जो चिली फ्लेक्स होते हैं, जैसे जिसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, ये 1 टीस्पून ले लें। ज़ीरा 1 टीस्पून ले लें, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है। चीनी ले लें 2 टेबलस्पून, ठीक है, फुल भर के लेनी है। नमक ले लें 1 टीस्पून, अक्सर इमली में नमक होता है तो ये देख लिया करें, अगर इमली कोई कोई इमली में नमक उन्होंने डाला हुआ होता है प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन इस इमली में नहीं था, ठीक है। तो मैंने, और ये थी भी गुठलियों वाली, कुछ गुठलियों के बगैर मिलती है तो मैंने तो गुठलियों वाली ली है। तो इस तरह आप नमक जो है ना उसके हिसाब से आपने करना है, अगर है तो फिर आपने नहीं डालना। तो इसमें 1 टीस्पून नमक डलेगा। सिरका लेना है जैसे आधी प्याली से थोड़ा सा कम, ठीक है, जैसे जैसे 4 टेबलस्पून ले सकते हैं या 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, ठीक है, बस अंदाजे से इतना आपने लेना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। सबसे पहले मैंने इमली को लेना है, 2 गिलास गरम खोलते हुए पानी में डाल के रख दूंगी, या तो इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी या फिर इसको पानी डाल के माइक्रोवेव में रख दूंगी 3-4 मिनट के लिए, ठीक है। इसको लगा के जब ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगी तो फिर इसकी गुठलियाँ निकालनी है। तो इन दोनों तरीकों के हिसाब से आप किसी भी तरीके को मतलब करके आप गुठलियाँ निकालें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने माइक्रोवेव में रखा है, ठीक है, और ये देखें कितना ढीली हो गई है, ठीक है। अब हम इसकी गुठलियाँ आराम से निकाल सकते हैं थोड़ी देर में जब ये ठंडा होगा। तो माइक्रोवेव में मैंने 2 मिनट के लिए रखा है, ठीक है, 2 मिनट रख के मेरा अंदाज़ा था कि 3 मिनट लगेगा, लेकिन मैंने 2 मिनट चेक किया तो ये 2 मिनट तक ठीक था। अब हम इसकी आराम से गुठलियाँ निकालेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने ये गुठलियाँ निकाल दी हैं, ठीक है, और पल्प को अलग कर दिया है। अब हम इसको लेके किसी भी जूसर में या किसी ब्लेंडर में डाल के ना, अब हम इस इमली को डालेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। तो अब मैं आपको पीस के दिखाती हूँ, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये हमने पीस लिया है अच्छी तरह से। अब हमने इसमें यही वाले 2 गिलास भर के ना हमने इसमें डाल देने हैं, ठीक है, पानी के, चाहे गर्म डालें या ठंडा डालें। तो ये मैं अब डाल के आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, अब हमने इसको 2 गिलास पानी डाल के रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन करके इसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ठीक है, उसके अलावा नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, ये दड़ा मिर्च डाल देंगे, सफेद जीरा डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है, काला नमक डाल के भी मतलब बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो काला नमक आपकी मर्जी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन चाट मसाला हमने बिल्कुल एंड में डालना है और सिरका भी हमने एंड में डालना है, ठीक है। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको गाढ़ा होने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये गाढ़ी हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं होती, लेकिन ये पतली पतली ही डालते हैं, लेकिन ये गाढ़ी हो चुकी है।
और अब हम इसके अंदर ये चाट मसाला डाल देंगे और हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम इसको विनेगर इसके अंदर डाल देंगे। विनेगर डालने के बाद इसको किसी भी जार में, शीशे का जार हो, प्लास्टिक की बोतल हो, किसी में भी डाल के ना, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। लेकिन विनेगर का फायदा ये होता है कि विनेगर से ये खराब नहीं होता, काफी अरसे तक खराब नहीं होता। और इसके लिए एक अच्छा टिप ये है कि आपने इसमें प्लास्टिक का चमचा यूज कर सकते हैं या लकड़ी का चमचा, वो भी गीला ना हो, और गंदा किसी किस्म का चमचा यूज नहीं करना, स्टील का चमचा यूज नहीं करना, उसमें उसकी वजह से इसमें फफूंद पड़ जाएगी। और यही हिसाब अचार का भी है, चटनी का भी है, अचार का भी है, उसमें भी ये चीजें आपने यूज नहीं करनी, ठीक है। तो अब ये पक चुकी है, तो ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये तकरीबन ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर ये सिरका डाल देंगे, ठीक है। ये हमने सिरका सिरका डाल के इसको हिला दिया। तो व्यूवर्स, ये इमली की मजेदार चटनी तैयार है। अब आप इसको बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किसी भी जार में डालकर आप यूज़ करें, और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बड़ी आसान है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।